हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। हम साइंस का अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट करके हमने सॉल्यूशन तक पढ़ लिया था। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले मैंने आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में बता दिया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। फिर हम मिक्सचर के बारे में समझ रहे थे कि मिक्सचर क्या होते हैं, और मिक्सचर के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें से होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में मैंने बता दिया था कि क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, कि वो मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा था हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या था कि जिसमें सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में पूरी तरह से नहीं घुलता। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और जो हेट्रोजीनियस है वो दो तरह के होते हैं, जिसमें से एक होता है कोलॉइड, एक दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है, और फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में समझा था कि सॉल्यूशन होता क्या है, और हमने उसकी प्रॉपर्टीज समझी थी। आज हमें सॉल्यूशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत और चीज़ें समझनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। तो सॉल्यूशन के बारे में जो हमें अगला टॉपिक समझना है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, यानी कि संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन, कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास मान लो कि वाटर है, इस वाटर में आपने एक चम्मच चीनी डाला, चीनी नमक कुछ भी डाल रहे हैं आप, तो ये इसमें घुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें घुल जाएगी। फिर आपने एक और चम्मच चीनी डाला, वो भी घुल जाएगा। फिर आपने एक और चम्मच चीनी डाला, वो भी घुल जाएगा। तो यानी कि ऐसा कब तक चल सकता है? क्या मैं इसमें बहुत अनगिनत चम्मच चीनी डाल सकता हूँ? तो नहीं। आप देखेंगे कि आपके पास अगर एक गिलास पानी है, आप उसमें एक चम्मच, दो चम्मच, मुश्किल से मुश्किल तीसरा चम्मच डाल पाएंगे, पर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तीन चार चम्मच के बाद आप देखेंगे कि उसमें अब चीनी घुलना बंद हो चुकी है, उसके बाद उसमें चीनी नहीं घुल रही है। ठीक है, तो जब तक उसमें चीनी घुलती जा रही है, जब तक उसमें चीनी घुलती जा रही है, यानी कि चीनी या नमक कुछ भी आप ले सकते हो, जब तक सॉल्यूट, अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में बोलूँ तो जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता जा रहा है, तब तक इस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में घुलता जा रहा है, तब तक हम उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर एक टाइम मैंने क्या बताया, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें घुलना बंद हो जाएगा, जब इसके अंदर सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब वो घुलना बंद हो जाए और ज़्यादा नहीं घुले, उसके बाद वो क्या बन जाता है? सैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड का ना पूरा हिसाब किताब आपके आपके जैसा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? असंतृप्त, और इसे कहेंगे संतृप्त, जैसा कि लिखा ऊपर। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ इनके ऊपर, कि जैसे मान लो आप अभी बाहर से आ रहे हैं कहीं से, काम करके, खेल के, कुछ भी करके, ठीक है, ट्यूशन से, कहीं से भी जा रहे हैं आप, तो आपको बहुत तेज भूख लग रही है। क्या लग रही है आप लोगों को? बहुत तेज भूख। तो आपने, आप घर गए, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपने अपनी मम्मी से खाना मांगा, आपकी मम्मी ने आपके सामने एक रोटी रखी और उसके साथ सब्जी या कुछ भी जो भी आप खा सकते हो उसके साथ। ठीक है, आपने एक रोटी खा ली, आपकी मम्मी ने दूसरी रोटी दी आपको, आपने वो भी खा ली, आपकी मम्मी ने तीसरी रोटी दी, आपने वो भी खा ली। तो जब तक आप रोटी खा सकते हैं तब तक आप क्या है? असंतृप्त। आपकी जब तक भूख नहीं मिट रही तब तक आप क्या है? असंतृप्त। ठीक है, तो आप जब तक खा सकते हैं तब तक आप असंतृप्त है, और इंग्लिश में कहें तो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो ये इसमें भी वही हो रहा है कि जब तक इसमें घुल सकता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल सकता है, तब तक वो क्या है? अनसैचुरेटेड। फिर एक टाइम ऐसा है, आपने चार पांच रोटी खाई और उसके बाद आपने कहा कि भाई अब मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खा सकता हूँ। ठीक है,
तो वो कौन सी कंडीशन आपकी हो गई, संतृप्त वाली, यानी कि सैचुरेटेड। ठीक है, आपने सुना भी होगा बहुत लोगों को कि हाँ भाई तृप्ति मिल गई, खा के एकदम तृप्त हो गए, यानी कि पूरी तरह से हमारा पेट भर गया। जब हम पूरी तरह से पेट भर के खा लेते हैं तो हम संतृप्त हो जाते हैं, यानी कि सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो जब ये घुलना बंद हो जाए और नहीं घुलेगा इसमें, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे उस समय, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि भाई आपने जैसे खाना खाते रहे, जब तक खा रहे हैं तब तक अनसैचुरेटेड खाना, खाना मतलब खाना पूरा हो गया तो सैचुरेटेड। ठीक है, पर आप लोगों को पता होगा कि आपकी, आप जितना मर्जी खाते हो पर आपकी मम्मी की नज़रों में आप हमेशा कम खाना खाते हैं। ठीक है, वो कहती है एक रोटी और खा, अभी कुत्तू ने कुछ नहीं खाया, सुना होगा मेरा लाडला पतला हो गया है, कुछ खाना खाता ही नहीं है, तो एक रोटी और खा। अब ज़बरदस्ती आपकी मम्मी आपको एक दो रोटी और खिलाएगी। ठीक है, तो आपकी मम्मी आपको ज़बरदस्ती खिला रही है, तो जब आप ज़बरदस्ती खाना खाते हो तो क्या होता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जैसे मान लो अभी इसमें चीनी घुल रही है या नमक घुल रहा है, जब तक घुल रहा है अनसैचुरेटेड, घुलना बंद हो गया सैचुरेटेड। अब आप अगर, आपकी मम्मी अगर बोल रही है कि एक रोटी और खा और आप वो रोटी नहीं खाएंगे, अगर बोलेंगे कि मैंने खा लिया अब मैं नहीं खाऊंगा, तो आपकी मम्मी क्या करेगी, आपको गर्म करेगी, गर्म मतलब थप्पड़ मारेगी, है ना, तो आप गर्म हो जाएंगे और आपको फिर वो रोटी खानी पड़ेगी। गर्म होने के बाद आपको वो रोटी खानी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर भी जब ये सैचुरेटेड हो जाता है तो हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म। तो जब हम इसको गर्म करेंगे ना तो इसमें और चीनी घुल जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप गर्म होने के बाद एक्स्ट्रा रोटी खा लेते हैं, वैसे ये भी गर्म होने के बाद एक्स्ट्रा चीनी या नमक जो भी सॉल्यूट है वो अपने में घोल लेता है। और जब ये गर्म होने के बाद एक्स्ट्रा चीनी या नमक अपने अंदर घोल लेता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं अति संतृप्त, हिंदी में क्या कहते हैं, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। ये बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है कि भाई सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। जब तक घुल रहा है तब तक क्या है वो, अनसैचुरेटेड, जब घुलना बंद हो गया सुपर सैचुरेटेड, फिर आपने क्या किया उसको गर्म किया और गर्म करने से उसके अंदर और चीनी घुल गया, तो उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि आप कभी ये ट्राई करना कि एक बार एक गिलास में ठंडा पानी लो और एक गिलास में गर्म पानी लो, ठीक है, और दोनों में आप चीनी घोलो बराबर बराबर, और आप चेक करो कि किस में ज़्यादा घुल जाता है और किस में कम घुल जाता है। तो हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा कि जो गर्म होता है, जो पानी गर्म है उसमें ज़्यादा चीनी घुल जाएगी और जो पानी ठंडा है उसमें कम चीनी घुलेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है सॉल्युबिलिटी, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो वही गर्म करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्यों बढ़ जाती है गर्म करने से सॉल्युबिलिटी, अभी इसके बारे में भी अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि गर्म करने पे लिक्विड को, ये इसको सॉल्यूशन को गर्म करने पे इसकी सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ जाती है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे, बताइए क्यों बढ़ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि गर्म करने से भाई और चीनी घुल गई इसमें। तो इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लिक्विड को गर्म करेंगे या किसी भी सब्सटेंस को गर्म करेंगे, गर्म करने से उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स दूर दूर होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, दूर दूर। जैसे मान लो कि पहले मान लो कि ये पानी के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और अरे यार एक मिनट,
और ये आपके शुगर के पार्टिकल्स हैं जो कि इनके बीच में बैठ गए। अब आप जब इनको गर्म करोगे तो क्या होगा कि वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। वाटर के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? दूर दूर। जब वाटर के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो इन शुगर के पार्टिकल्स को बैठने के लिए एक्स्ट्रा जगह बन जाएगी। मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, हमने बात करी थी कि जब हम पानी के अंदर चीनी नमक ऐसा कुछ घोलते हैं तो क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूट होता है वो अपने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और इनके बीच में जो गैप होता है उसमें जाके बैठ जाता है। अब जब गर्म करोगे तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, पार्टिकल दूर दूर होंगे तो स्पेस ज़्यादा बन जाएगा, स्पेस ज़्यादा बन जाएगा तो इसका मतलब जितनी चीनी घुलनी थी उससे ज़्यादा चीनी उसमें घुल जाएगी। इस वजह से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन पाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, तो गर्म करने से एक्स्ट्रा चीनी इसलिए घुल जाती है क्योंकि गर्म करने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं और दूर दूर होने की वजह से पार्टिकल के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है और जिसके अंदर एक्स्ट्रा चीनी के जो जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो उसके अंदर बैठ सकते हैं। इस वजह से जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया सॉल्युबिलिटी, इसके बारे में मैं समझा दूँ और क्या रिलेशन है इसका टेम्परेचर के साथ, हम वो भी बात कर लेते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो आप लिख लो एक बार, डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल देता हूँ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो लिखे द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे वह विलयन जिसमें और ज़्यादा विलेय को घोला जा सकता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, कि वह विलयन जिसमें और ज़्यादा विलेय को घोला जा सकता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें हमने क्या लिखा कैन नॉट कैन बी डिजॉल्व, तो इसमें लिखना है कैन नॉट बी डिजॉल्व, पूरा का पूरा वही है। जैसे क्या लिखेंगे द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व, द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी वह विलयन जिसमें और ज़्यादा विलय नहीं घोला जा सकता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और तीसरा क्या था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसमें लिखेंगे द सॉल्यूशन इन विच एक्स्ट्रा सॉल्यूट इज डिजॉल्व बाय हीटिंग द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे कि विलयन को गर्म करके उसमें और अतिरिक्त विलय को घोलना अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों की डेफिनेशन हो गई, आप लोग लिख लेंगे इसको। अब मैं बात करता हूं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी हिंदी में कहें तो घुलनशीलता, घुलनशीलता। ठीक है, क्या होता है सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता? तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ये लिखी है आपके सामने कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। अगर हिंदी में बोले तो लिखा है विलय की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में घोली जा सकती है उसे विलय का उस विलायक में घुलनशीलता कहलाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी लिक्विड में आप जितना सॉल्यूट घोल सकते हो वो उसका क्या होता है सॉल्युबिलिटी, यानी वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे अगर आपके पास वाटर है, ये क्या है वाटर,
ठीक है, आपके पास वाटर है 100 ग्राम, कितना गए 100 ग्राम। अब 100 ग्राम वाटर में आप कोई सॉल्यूट कितना घोल सकते हो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे। मान लेते हैं टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आप अलग अलग जो सॉल्यूट है कितना कितना घोल सकते हो किसी लिक्विड के अंदर, या किसी हम कहें तो सॉल्वेंट के अंदर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। जैसे अगर आपने इसमें ऐसे, हमारे पास बहुत सारे हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बीकर हैं, ठीक है, और इसमें मैं अलग अलग चीजें घोल रहा हूं, सब में 100 ग्राम वाटर है, सबके अंदर कितना वाटर है 100 ग्राम वाटर, और सब में आप एक सॉल्यूट डाल रहे हैं, एक बार आप जो इसमें डाल रहे हैं वो है कॉमन सॉल्ट, यानी कि नमक, एक में आप डाल रहे हैं शुगर, एक में आप डाल रहे हैं क्या डाल रहे हैं, मान लेते हैं पोटेशियम सल्फेट, कोई भी केमिकल ले लो, एक में आप डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, आपने चार अलग अलग कोई भी कंपाउंड ले लिए और आप वो सॉल्यूट ले लिए, आप लिक्विड में मिला रहे हैं। मान लेते हैं जब हम कॉमन सॉल्ट मिला रहे हैं ना, तो ये 100 ग्राम में मान लेते हैं 100 ग्राम वाटर के अंदर ये 40 ग्राम घुल जाता है, ठीक है, शुगर जो है वो 30 ग्राम घुल जाता है, ये इसको मान लेते हैं 20 ग्राम घुल जाता है, इसको मान लेते हैं 10 ग्राम घुल जाता है, तो होगा क्या कि ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना, यही होती है सॉल्युबिलिटी कि पानी उतना ही है, 100 ग्राम वाटर है हमारे पास, पर कोई एक एलिमेंट जो है वो मतलब कोई एक सॉल्यूट जो है उसके अंदर ज़्यादा घुल रहा है और दूसरा जो है उसके अंदर कम घुल रहा है। जैसे हमने कॉमन सॉल्ट की बात करी वो 40 ग्राम घुल गया, शुगर की बात करी वो 30 ग्राम, पोटेशियम सल्फेट की 20 ग्राम, कॉपर सल्फेट की 10 ग्राम, तो ये अलग अलग जो हम बात कर रहे हैं ना, मतलब अलग अलग हमने जो सॉल्यूट लिए हैं इन सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। पानी उतना ही रहेगा, पानी आप उतना ही ले रहे हैं हर बार, पर एक चीज़ ज़्यादा घुलेगी एक चीज़ कम घुलेगी, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसकी देखी जाती है सॉल्यूट की, किसकी देखी जाती है सॉल्यूट की, ठीक है ना, तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी किसी की ज़्यादा होती है किसी की कम, जैसे यहाँ पे सॉल्ट की ज़्यादा है, उससे कम शुगर की है, उससे कम पोटेशियम सल्फेट की है, उससे कम किसकी है कॉपर सल्फेट की, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन आ गई, और होता क्या है सॉल्युबिलिटी कि एक किसी फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में, जैसे हमने 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम वाटर में कोई सॉल्यूट कितना घुल सकता है वो उसकी क्या हो जाती है सॉल्युबिलिटी हो जाती है, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं इसी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, जैसा कि हमने इसमें अभी लिखा कि कोई भी सॉल्युबिलिटी हम किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे चेक करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर अभी लिया था 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ऐसा कुछ है कि मैं अगर टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी, तो ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी जो होते हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर जो होता है ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि अगर सॉल्युबिलिटी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई, और ये हो क्यों रहा है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जैसे आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, और पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से उसमें एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है जिसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट घुल सकता है, इसीलिए होता क्या है टेम्परेचर को आप जितना बढ़ाओगे उस
कि सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और यही हमारा सॉल्युबिलिटी का टॉपिक था। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपको समझ में आ गया, सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या समझेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देखते हैं, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन की सांद्रता। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? तो कंसंट्रेशन होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। कि किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन, या आप लिखो इट्स कंसंट्रेशन की जगह लिखो इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कि किसी सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। अब समझेंगे एक बार इसको हम ध्यान से, कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है वो उसकी कंसंट्रेशन है। अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है तो हम कहेंगे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है यानी कि उसके अंदर जो है कंसंट्रेशन कम है यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कम है। अगर मैंने एक दोनों तरफ पानी लिया दो बीकर के अंदर बराबर बराबर, इधर भी 100 ग्राम पानी लिया, इधर भी 100 ग्राम पानी लिया, और इधर भी मैंने, इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने 2 चम्मच चीनी डाला, इधर मैंने कितने चम्मच चीनी डाला 2 चम्मच, और इधर मैंने सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाला। आप बताओ कौन सा पानी ज़्यादा मीठा होगा? अगर मैं पानी के अंदर चीनी घोल रहा हूँ और एक तरफ मैंने 100 ग्राम पानी में 2 चम्मच चीनी डाला है और एक तरफ मैंने 100 ग्राम पानी में 1 चम्मच चीनी डाला है, तो आप बताओ कि कौन सा पानी ज़्यादा मीठा होगा? तो आप बोलेंगे सीधी सी बात है, जिसमें हम ज़्यादा चीनी डाल रहे हैं वो ज़्यादा मीठा होगा, जिसमें हम कम चीनी डाल रहे हैं वो कम मीठा होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसकी इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस सॉल्यूशन के अंदर इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। सीधी सी बात है, ठीक है, ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा सॉल्यूट का ज़्यादा पता चलेगा, कम डालोगे तो कम पता चलेगा। यही होती है कंसंट्रेशन, कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे आप सॉल्यूशन के अंदर वो उसकी कंसंट्रेशन बन जाती है। ठीक है, और जितना कम डालोगे तो उतनी उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। आप कहते हो कि पानी मिला देना, कंसंट्रेशन चेंज होने का मतलब क्या, जैसे आप किसी चीज़ में पानी मिला देते हो तो आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर देते हो। ठीक है, दूध में पानी मिला दोगे तो दूध की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी उसकी, कम। ये बात समझ में आ रही है? तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो उसकी कंसंट्रेशन होती है, और जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा। ये जो कंसंट्रेशन है ना, हमें परसेंटेज में निकालनी होती है। किस में निकालनी होती है? परसेंटेज में। तो अगर हमें कंसंट्रेशन को परसेंटेज में निकालना है तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। और ये जो परसेंटेज हम निकालते भी है कंसंट्रेशन की, तीन तरह से होती है। ये तीन तरह से होती है। पहला होता है आपका मास बाय मास परसेंट। पहला होता है मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या है कि आप
सॉल्यूट का भी मास ले रहे हैं और सॉल्यूशन का भी मास ले रहे हैं, ठीक है। हिंदी में कहें तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो उसके लिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, हिंदी में कहें तो विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान और गुना में 100। अरे परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं कि आपको पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है उसका परसेंटेज निकालना है। तो अमाउंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, तो हो गया। ये था मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट यानी कि द्रव्यमान बटे में आयतन प्रतिशत। ये वाला कैसे निकालते हैं? इसके लिए, इसको निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। ये परसेंट निकालने के लिए तरीका है मास अपॉन में वॉल्यूम वाला। हिंदी में कहेंगे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना में 100। और तीसरा जो है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होता है, ऊपर मास ऑफ, ऊपर ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और नीचे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ये हमने तीन अलग अलग क्यों बना रखे हैं? ये तीन अलग अलग इसलिए बना रखे हैं क्योंकि हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम अलग अलग हो सकते हैं स्टेट में। देखो जब आपका आपको दोनों का मास दिया हो, ठीक है, दोनों का मास दिया हो, सॉल्यूट का भी मास दिया हो, सॉल्यूशन का भी मास दिया हो, तब तो आप मास वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कई बार जो सॉल्यूशन होता है हमारा वो उसका मास ना देके उसका वॉल्यूम दे दिया जाता है या उसकी कैपेसिटी दे दी जाती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमें अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल के होता है। और मान लो कि दोनों आप जो डाल रहे हो सॉल्यूट भी डाल रहे हो वो भी लिक्विड है और जिसमें डाल रहे हो वो भी लिक्विड है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों लिक्विड है तो दोनों का मास की जगह हम क्या दे दिया जाता है कई बार हमें वॉल्यूम। तो तीसरा जो फॉर्मूला बनता है वो वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 होता है, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला आप लिख लेना खुद से। अब इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल भी आते हैं आपको करने के लिए, तो हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसको पहले आप नोट कर लो, इसके बाद हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो इसका हम न्यूमेरिकल करते हैं कंसंट्रेशन का। आपके बुक में न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 2.1 पेज नंबर 17 पे आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.1 आपको दे रखा है कंसंट्रेशन का। आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है कंसंट्रेशन निकालने के लिए। इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ना, आपको कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी कि जो नमक होता है आपके घर में, जो नमक होता है उसमें 40 ग्राम, एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम नमक है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो गया मास मास ऑफ कॉमन सॉल्ट, या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। फिर है मास ऑफ वाटर, किस में घोल रहे हैं भाई, किस में डाल रहे हैं, ये वाटर में, और वाटर कितना है 320 ग्राम, ठीक है। तो वाटर कितना है 320 ग्राम। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन,
कि आपको कंसंट्रेशन निकालना है मास बाय मास परसेंटेज से। अरे दोनों के मास दे रखे तो मास बाय मास परसेंटेज ही निकलेगा। तो मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बताया है, कंसंट्रेशन परसेंटेज का, कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये बताया है। कई बच्चे अब क्या करेंगे, जल्दबाजी में ऊपर रखेंगे 40, नीचे रखेंगे 320, इधर रखेंगे 100 और काट देंगे और कहेंगे हमारा आंसर निकल गया। पर आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या है, ये आपका सॉल्यूट है। क्या है आपका सॉल्यूट? ये आपका सॉल्यूट है एंड ये वाटर जो है आपका सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन तो है ही नहीं हमारे हमारे फॉर्मूले में। नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन, पर हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अरे मास ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है भाई? सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अरे अगर मान लो 320 ग्राम पानी है और उसमें आप 40 ग्राम शुगर डाल रहे हो या नमक डाल रहे हो 40 ग्राम, तो ये घुलने के बाद टोटल कितने ग्राम हो जाएगा? 320 ये और 40 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 ग्राम। तो आपको करना क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट तो 40 ग्राम ही लेना है, पर मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 320 प्लस 40 लेना है, यानी इसमें ये जुड़ जाएगा और अब होगा मल्टीप्लाई बाय 100 और अब आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। तो 40 बटे में 360 गुना में 100, जीरो से जीरो काट देंगे, 4 नीम 36 होता है, तो 100 बटे 9 यानी कि 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज आ गया कंसंट्रेशन का, ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई 11 and 1/9%। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका कंसंट्रेशन का, उसके बाद आज हम इतना ही रखेंगे उसको और फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम इस वाले को नोट कर लो आप लोग, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसके बाद। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर। कि एक सॉल्यूशन है जिसमें आप 50 ml, ml जो है यानी कि मिलीलीटर्स, ठीक है, ये आपकी कैपेसिटी के उस पर दे रखा है, या वॉल्यूम बोल सकते हैं आप इसको, कि वॉल्यूम दे रखा है आपको कि 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स किया गया है 150 ml वाटर के साथ, तो आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है। तो यहाँ पे जो आपका कंसंट्रेशन निकलेगा वो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम वाला निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहली बात तो इनका लिख लो ना, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वॉल्यूम कितना है? 50 ml। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कितना दे रखा है? 150 ml। और आप यहीं पे लगे हाथ निकाल लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा भाई? दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों आपको अलग अलग दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा 200 ml और आपको निकालना है कंसंट्रेशन, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना भाई? 50, और सॉल्यूशन का कितना है? 200 गुना में 100, और दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा और दो से ये 25 बार में कट जाएगा, तो कितना परसेंटेज है उसका? 25%। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है कई बार। बस क्या होता है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ना देके सॉल्यूशन का ही सीधा दे दिया जाता है। अगर सीधा सॉल्यूशन का दे देगा तो हमें ये जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट बस दोनों को अपॉन में रखेंगे और हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है
कोलोइड और सस्पेंशन के बारे में, जिनके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आप यहीं तक रिवाइज कर लें।